शिवरात्रि का त्यौहार निकट है। भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए यूं तो देश भर में हर शिवालय पर भक्तों की आस्था होती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसकी मान्यता न सिर्फ प्राचीन काल से चली आ रही है, बल्कि इससे जुड़ी हुई पौराणिक बातें इस मंदिर के बारे में जानने के लिए और जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। जी हाँ, प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस मंदिर में रावण और उसके पिता ने भी पूजा अर्चना की थी। मंदिर से जुड़ी हुई इतनी ज़्यादा रोचक बातें हैं कि इसकी मान्यता को और ज़्यादा प्रसिद्धि का रूप देती हैं। बता दें कि गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर मठ देश के 8 प्रसिद्ध मठों में से एक माना जाता है, और यह मंदिर गाजियाबाद में जस्सीपुरा मोड़ के नज़दीक स्थित है। हर साल शिवरात्रि पर यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगता है। मैं तो बचपन से आ रही हूँ, काफ़ी साल हो गए मुझे आते हुए। बहुत मान्यता है, यहाँ पे गाय अपने आप दूध वगैरह देती थी। रावण के टाइम पे उन्होंने भी यहाँ पे तपस्या वगैरह की है, उन्होंने काफ़ी पूजा वगैरह की है। काफ़ी सुना है मैंने मंदिर के बारे में भी, और मैं खुद भी आती हूँ वाकई में। इसकी मान्यता बहुत है। मेरी मान्यता ऐसी है, बस बाबा की कृपा है सब पे, पूरे गाजियाबाद के क्षेत्रवासियों पर। आज मेरे को यहाँ पे 3-4 साल हो गए आते हुए। हम मंदिर के कार्यकर्ता हैं, मंदिर के सेवादार हैं, अपना सुबह से लेकर शाम तक अपना रहते हैं सोमवार के दिन श्रद्धालुओं के साथ। ये प्राचीन मंदिर है, और ये ऐसा कहा जाता है रावण जो थे वो यहाँ पे ये शिवलिंग लेके आए थे, उन्होंने यहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी। देखिए, ये तो बहुत पौराणिक कथा है। पहले जब मंदिर की जब प्रथा पता चला, तो उस समय जो है कि रावण के पिताजी विश्वेश्वरा जी थे, उसी समय के ज़माने की मंदिर है। लगभग 568 या 69 साल के ये मंदिर अभी हो चुका है पौराणिक मान्यता के अनुसार।